हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर एकदम व्यस्त होंगे। तो हम कर रहे हैं मूल अधिकार। राजनीति शास्त्र की कक्षाएं चल रही हुई है, हिस्ट्री की कंप्लीट हो चुकी है, एक दो लेक्चर रह रहा है हिस्ट्री का, जल्द ही लेके आऊंगा। और मूल अधिकार में हमने देख लिया था कि कौन से भाग में उल्लेखित है और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक मूल अधिकार आते हैं हमारे संविधान के अंदर। और मूल संविधान में यानी 26 जनवरी 1950 के टाइम जब हमारा संविधान बन के लागू हुआ था, तब 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। परंतु वर्तमान समय में मतलब आज में संविधान में मात्र 6 मूल अधिकार मौजूद हैं, यानी कि एक मूल अधिकार का क्या कर दिया है, निषेध कर दिया है। कौन सा है वो? संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। क्लियर है? और अब कैसा अधिकार बना दिया संपत्ति के अधिकार को? लीगल राइट, यानी कि विधि का अधिकार। फिर बताया था हमने संपत्ति का अनिवार्य अर्जन का अधिकार किस अनुच्छेद में? पहले था ये मूल अधिकार कौन से में था? 31 में था, परंतु वर्तमान में ये अनुच्छेद 300 के क में और भाग 12 के अंदर अंतर्निहित है। क्लियर? इतना हमने अच्छे से बात की थी। अब हम बात करेंगे, ये हमारा हो ही गया था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक था। फिर हमने स्वतंत्रता का अधिकार भी अच्छे से देख लिया था, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक था। तो राइट टू फ्रीडम यानी कि अनुच्छेद 19, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, ये अच्छे से देख लिया था। कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के क में है। क्लियर है? फिर बात करेंगे हम, अनुच्छेद 20 भी हो गया था हमारा। अब बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमने करा दिया था, परंतु फिर एक बार और देख लेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक आता है, यानी अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दो इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहला यहां से ही स्टार्ट करते हैं आज हम, कि मानव के बलात्श्रम बेगार दुर्व्यापार का प्रतिषेध संविधान में, दुर्व्यापार का प्रतिषेध संविधान के कौन से अनुच्छेद में निहित है? कि बलात्श्रम यानी मानव द्वारा, मानव के बलात्श्रम यानी कि काम करा लेना, फ्री में पैसे नहीं देना, या फिर उनको किडनैप कर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में धकेल देना और भिक्षावृत्ति में लगा देना, तो उसका जो अनुच्छेद आएगा वो आएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में। भाई इस चीज का हमारे संविधान में हमें अधिकार दे रखा है इसका विरोध करने के लिए। क्लियर है? कौन से अनुच्छेद में? बलात्श्रम संबंधी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव दुर्व्यापार के लिए, तो अनुच्छेद 23 में है। नेक्स्ट आता है हमारा खनन एवं कारखाना उद्योग में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, यानी बाल श्रम। ये बलात्श्रम हो गया, ये बाल श्रम हो गया। बाल श्रम का कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में है। क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करेंगे हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार पहला इसमें, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 25 का है। क्लियर? अनुच्छेद कौन सा है? 25। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द से शब्द किसे सम्मिलित करता है? हिंदू शब्द किसे सम्मिलित करता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो प्रयुक्त हो रहा है हिंदू, तो वो बौद्ध जैन सिखों को सम्मिलित करता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 25 में कौन सा शब्द है? हिंदू शब्द। इसमें कौन? बौद्ध जैन एवं सिखों को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? कृपान तो पता होगा आप सबको, तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। भाई इन्होंने बता रखा है ना कि धर्म को अबाध रूप से मानने एवं आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। जबरदस्ती हम किसी पे भी कोई भी धर्म नहीं थोप सकते हैं, ये हमारा अपना राइट है। क्लियर है? कि भाई हमें कौन से धर्म को अच्छे से फॉलो करना, ये हमारी समझ पर डिपेंड करता है, ये हमारा राइट है, मूल अधिकार है। नेक्स्ट है,
धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब कि धर्म के प्रति जो कार्य करते हैं या फिर उनके मैनेजमेंट को लेके जो स्वतंत्रता है, तो किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत निहित है। नेक्स्ट आता है हमारा किसी विशिष्ट धर्म के पोषण में, कि भाई कोई विशेष धर्म है उसके पोषण में कर की बाध्यता को समाप्त कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 27 करता है। क्लियर। नेक्स्ट, राज्य निधि से पोषित, राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक का कर प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 28 में है कि भाई राज्य द्वारा जो भी शिक्षण संस्थान है वहां पर धार्मिक शिक्षा पर रोक है, मतलब राज्य सरकार द्वारा जो भी पोषित है, जो भी राज्य सरकार द्वारा वहां पर अगर कोई फंड प्रोवाइड कराया जाता है तो उस राजकीय शिक्षण संस्थाओं में क्या होगा? धार्मिक शिक्षा पर रोक का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 28 में। तो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद यानी आर्टिकल कौन तक है? 25 से 28। क्लियर है? बहुत अच्छा। नेक्स्ट, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो भाई सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार कौन सा अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 29 से 30 तक है। तो इसमें पहला आता है हमारा अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अनन्य अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 29 में है कि भाई कोई भाषा अल्पसंख्यक मारी है या अल्पसंख्यक वर्गों की कोई अपनी विशेष भाषा है या लिपि है ना, संस्कृति है, तो उन्हें बनाए रखने का अनन्य अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में किया गया है कि हमें मूल अधिकार है कि हम उन्हें क्या संरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कि भाई अल्पसंख्यक वर्ग जो है शिक्षण संस्थाओं की, अपने धर्म की या फिर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30 में है। हम जब आफ्टर एग्जाम, जैसे अभी 17 मार्च का यूपीपीसीएस का एग्जाम है और 28 अप्रैल का आपका एमपीपीसीएस का एग्जाम है, इनको समाप्त होने के पश्चात हम क्या करेंगे? अच्छे से पॉलिटी की कक्षाएं कराएंगे और उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि भाई कौन कौन से अधिकार किस प्रकार कार्य करते हैं और कैसे हमें प्राप्त हो रखे हैं। अभी हम रिविजन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें 5 प्रकार की रिट भी हैं, बात करेंगे उन पर भी। तो पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस अधिकार या अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? क्या भाई? संविधान की आत्मा। किसके? संविधान की आत्मा। किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा बताया गया है। क्लियर है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है हमारा उच्चतम न्यायालय में, कहां पे? उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में रिट संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है। कौन सा अनुच्छेद में? 32 में है। कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रिट जारी कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 में। तो हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? कि भाई भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षण माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के माध्यम से? 32 के माध्यम से, अनुच्छेद 32 के माध्यम से। और उच्च न्यायालय को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय ने रिट संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 226 में है। कौन से में है? अनुच्छेद 226 में है। क्लियर है? अभी मैंने आपको बोले भी है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कहीं में है, आर्टिकल 32 में है, और हाई कोर्ट का कहीं में है, ये बताया मैंने आपको, 226 में है।
क्लियर। क्या ये रिट संबंधी प्रावधान कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में जाएंगे हम अनुच्छेद 226 के तहत। क्लियर है, ये हमारा अनुच्छेद क्या था 32, इसके संबंधित सवाल थे। और बोझ लेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संज्ञा दी गई है संविधान की आत्मा की। क्लियर है। अब बात करेंगे रिट के प्रकार एवं उनके क्षेत्र। पहला रिट के प्रकार एवं उनके क्षेत्र, हम आदेश देते हैं, क्या बोल रहे हैं ये, हम आदेश देते हैं किस रिट से संबंधित है, तो परमादेश रिट से। किससे, परमादेश, परमादेश, हम आदेश देते हैं तो परमादेश। ठीक है, फिर किसी निरुद्ध या बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 आवर्स के भीतर यानी 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए किस रिट का प्रयोग किया गया है। भाई कोई बंदी है ना, तो उस व्यक्ति को 24 यानी 24 घंटे के अंदर निकट के या न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है, तो किस रिट के तहत, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि भाई बंदी को प्रत्यक्ष रूप से पेश करो। ठीक है, परमादेश क्या हुआ, हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसे बंदी को प्रत्यक्ष रूप से पेश करो। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने न्याय क्षेत्र की अधिकारिता से बाहर के कार्यों को करने से रोकने के हेतु किस रिट का प्रयोग किया जाता है। भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो वो क्या करते हैं, जो अपने अधीनस्थ न्यायालय है ना, जैसे जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय है ना, तो उन्हें क्या करेगा, उन्हें उनके क्षेत्र अधिकारिता से बाहर के कार्यों को करने से रोकने के लिए एक रिट जारी करते हैं। उस रिट को क्या कहते हैं, प्रतिषेध, कि भाई रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है अब। ठीक है, तो ऐसा कौन करता है, कि भाई सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, क्योंकि इनके अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए निकालते हैं क्या रिट, कौन सी, प्रतिषेध रिट। नेक्स्ट है, किस रिट का शाब्दिक अर्थ सूचना देना है, किसका है, उत्प्रेषण रिट का। उत्प्रेषण का क्या है, सूचना देना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट आता है हमारा न्यायालय द्वारा, क्या, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में, किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, कि भाई न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाएगी, अधिकार प्रश्न, कि भाई पूछ लेगा भाई किस अधिकार से आप इस पद के दावेदारी हैं, किस पद से आप इस पद पर आसीन हैं, तो उसके लिए न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, कि भाई एक रिट जारी की जाएगी, कौन सी, अधिकार प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, आर्टिकल 32, जबकि हाई कोर्ट कौन से के तहत, 226। क्लियर है, आई होप आपको ये रिट, 5 प्रकार की रिट अच्छे से कंप्लीट क्लियर होगी होंगी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा बताया गया आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हुए हम सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, पहला है संसद, सेना, गुप्तचर विभाग, पुलिस के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगा सकती है। इसने कहा कि संसद, सेना, गुप्तचर विभाग, पुलिस के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगा सकती है, संसद लगाएगी, कौन, संसद, तो अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, जब भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हो, कौन सा लॉ, मार्शल लॉ, तो वहां किस अनुच्छेद के तहत के द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 34। भाई किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में है ना क्या हुआ, मार्शल लॉ लगा दिया गया, तो स्वतः ही क्या होगा, वहां पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाएगा, कौन से अनुच्छेद के तहत, 34 के तहत। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ विशेष मूल अधिकारों
को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति केवल किसके पास या किसे प्राप्त है कि भाई कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है? आपको अच्छे से बताया मैंने कि भाई हमारे देश के अंदर विधि बनाने की सर्वोच्च संस्था क्या है? संसद है, यानी पार्लियामेंट। कौन सा अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 35 के तहत वो किसी कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण शक्ति रखती है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करेंगे हम कौन से मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त है और कौन से मूल अधिकार अपने देशी मतलब नागरिकों को प्राप्त है। विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, जब हम विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार का संज्ञान में ले लेंगे तो स्वतः ही हम ये भी जान लेंगे कि भाई साथ ही कौन से मूल अधिकार, मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे यहां पर दे रखा है कि भाई अनुच्छेद 14 देश अपने देश के नागरिकों को भी है और साथ ही विदेशियों को भी है, यानी विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। इसका मतलब 14 से 20 के बीच में जो 15, 16, 17, 18, 19 आते हैं वो किसको प्राप्त हैं? वे भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ना कि विदेशियों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये नागरिकों के साथ साथ विदेशियों के भी है। फिर अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना की में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन? आर्टिकल 28। तो ये कुछ आर्टिकल हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्रोवाइड कराए गए हैं हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा। क्लियर है? कौन कौन से? आर्टिकल 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28। क्लियर है? शेष मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कौन कौन से बताओ फटाफट? जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 21 ए, ठीक है ना, 22, 29, 30। क्लियर है? चलो 15, 16, 17, 18, 19, यानी कह लो 15, 16, 19, 22, 29, 30। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से ये छोटा सा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और कहीं भी आपको लेक्चर से संबंधित कोई भी त्रुटि दिखाई देती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में डीपीएसपी के साथ, यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ। बने रहिए सिरी एजुकेटर यूट्यूब चैनल के साथ। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।